नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस की जद में अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आ गए हैं। शिवराज सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट कर अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मेरे प्रिय देशवासियों, मुझमें कोविड-19 के लक्षण आ रहे थे, टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क में आने वाले लोग क्वारंटीन में चले जाएं। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर अपने संक्रमित होने की जानकारी के साथ साथ राज्य में आगे कोरोना की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी इस बात की भी जानकारी दी है। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, मैं कोविड-19 की सभी गाइडलाइंस का पालन कर रहा हूँ। डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्वयं को क्वारंटीन करूँगा। मेरी प्रदेश की जनता से अपील है कि सावधानी रखें, क्योंकि जरा सी असावधानी कोरोना को निमंत्रण देती है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने कोरोना से बचने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन अनेक विषयों को लेकर लोग मिलते थे। एक अन्य ट्वीट में सीएम ने लिखा कि कोविड-19 का समय पर इलाज होता है तो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं 25 मार्च से प्रत्येक शाम को कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक करता रहा हूँ। मैं यथासंभव अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना की समीक्षा करने का प्रयास करूंगा। सीएम ने एक और ट्वीट में कहा, मेरी अनुपस्थिति में अब ये बैठक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नगर विकास एवं प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पीआर चौधरी करेंगे। मैं स्वयं भी इलाज के दौरान प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के हर संभव प्रयास करता रहूंगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 26,000 के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में इस बीच अब शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।